आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। इस्कॉन के बड़े चेहरे चिन्मय दास के खिलाफ बांग्लादेश में राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज, हिंदू प्रताड़ना का एक और उदाहरण। नवाब मलिक के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे बीजेपी नेता, कैलाश विजयवर्गीय का बयान, नवाब मलिक को एनसीपी विधानसभा चुनाव में उतारा। बीएमसी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रवि राजा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, टिकट न मिलने से नाराज बताए जा रहे बीएमसी के पूर्व एलओपी, जल्द बीजेपी में शामिल होने की खबर। दिवाली के मौके पर दिल्ली में प्रदूषण की मार, कई इलाकों में हवा बहुत खराब, आनंद विहार में AQI का लेवल 483 के पार, वहीं जहांगीरपुरी में AQI का स्तर 460 के पार पहुंचा। दिल्ली के नरेला में दिन दहाड़े दो लोगों की चाकू मारकर की गई हत्या, मामले में पुलिस ने चार नाबालिग आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में महिला की दर्दनाक हत्या, हत्यारों ने महिला के शव को चार टुकड़े कर 10 फीट जमीन में दफनाया। राजस्थान के किशनगढ़ में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने तीन लोगों को कुचला, हादसे के खौफनाक वीडियो सीसीटीवी में कैद, अग्रसेन नगर क्षेत्र की घटना। यूपी के बदायूं में दिखा रफ्तार का कहर, भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, दिल्ली से बरेली जाने के दौरान हुआ हादसा। भारत चीन सीमा पर तनाव कम होने पर यूएस विदेश विभाग का बयान, यूएस ने समाधान में कोई भूमिका नहीं निभाई, लेकिन भारत चीन सीमा पर तनाव में कमी का अमेरिका करता है स्वागत, घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है यूएस। दिवाली और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आज गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, आज सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने एकता दिवस की दिलाई शपथ, शपथ के बाद एकता दिवस परेड का आयोजन, इस परेड में 9 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एनसीसी और 1 मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़ियां रही शामिल। सरदार पटेल की जयंती पर एकता दिवस परेड में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस दौरान भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर्स की सूर्यकिरण टीम ने आसमान से दी सलामी। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आतंकवादियों के आकाओं को अब पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें नहीं छोड़ेगा, बीते 10 सालों के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 10 वर्ष का कालखंड भारत की एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा, आज सरकार के हर काम हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। पीएम मोदी ने कहा, आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है, आगामी 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा, यह भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कारांजलि है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है, एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिवाली का भी पावन पर्व है, दिवाली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं, लिखा, रोशनी के इस दिव्य उत्सव पर मैं हर किसी के स्वस्थ सुखमय और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं, मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो। गुजरात के कच्छ के रण में सेना के जवानों के साथ पीएम मोदी ने मनाई दिवाली, सेना के जवानों को पीएम मोदी ने खिलाई मिठाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पांजलि अर्पित की, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एलजी वीके सक्सेना, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत अन्य लोगों ने दी पटेल को श्रद्धांजलि। दिवाली के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे रक्षा मंत्री। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दीपोत्सव के दौरान नर्मदा नदी के तट को 51,000 दीपों से जगमग किया गया, इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह भी नर्मदा तट पहुंचे और दीपोत्सव में शामिल हुए। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं, कहा, आप सभी को खुशहाल और समृद्ध दिवाली की शुभकामनाएं, उन्होंने कहा, विकसित ओडिशा के निर्माण और उसके गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है बीजेपी सरकार का कमिटमेंट।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर को दिवाली के अवसर पर रंगीन रोशनियों से जगमग किया गया। मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा ने लोगों के साथ मनाई दिवाली। सांगानेर बाजार जाकर लोगों से मिले मुख्यमंत्री और सबको दी दिवाली की शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दीपावली के अवसर पर बाबा श्यामनाथ मंदिर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बिहार के मुंगेर में भव्य दीपोत्सव का किया गया आयोजन। कल्याणपुर में आयोजित इस दीपोत्सव कार्यक्रम में 8 लाख से ज्यादा दीये जलाकर मनाई गई दिवाली। इंडियन आर्मी की रोमियो फोर्स के जवानों ने अपने घरों से दूर मनाई दिवाली। 8000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में जवानों ने मनाई दिवाली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्कूली बच्चों और सफाई कर्मचारियों के साथ मनाई दिवाली। उन्होंने इस मौके पर बच्चों और सफाई कर्मचारियों को दिए उपहार। असम के तेजपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे देश में कई भाषाएं संस्कृतियां और धर्म मौजूद हैं, फिर भी यहां जिस तरह की एकता देखने को मिलती है वो अद्भुत है। हमारा प्रयास इस विशेषता को बनाए रखने का होना चाहिए। दीपावली के पावन अवसर पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, आज दोहरी खुशी का दिन है, दिवाली और सरदार पटेल की जयंती एक साथ है। राष्ट्रीय एकता दिवस ने पूरे देश को एकजुट किया है। पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हो रहा है। सीएम सैनी ने कहा, रन फॉर यूनिटी में कई लोगों ने भाग लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दी। मैं सभी प्रदेशवासियों को दिवाली पर्व की भी शुभकामनाएं देता हूं। रामलला के पावन धाम में पहुंचे सीएम योगी ने आज दिवाली के मौके पर मिठाइयां बांटी और बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिवाली के मौके पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी का भला करें और सभी के घर में खुशहाली आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन कैंटोनमेंट में सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। सैनिक कैंप में दिवाली मिलन कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर के हरमाड़ा की झुग्गी बस्तियों के लोगों के साथ मनाई दिवाली। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। दिवाली के अवसर पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। भगवान राम से लिया आशीर्वाद, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के मौके पर वनटांगिया समुदाय के लोगों के बीच रहे सीएम योगी। असम के तेजपुर में जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाई दिवाली। एलओसी पर सेना के जवानों ने दिए जलाकर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। बुधवार को अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर सीएम योगी ने उतारी भगवान श्रीराम की आरती। कहा, 500 साल बाद अयोध्या में विराजे रामलला, कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों ने उठाए थे श्रीराम और सनातन पर सवाल। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के बाद पहले दीपोत्सव की सीएम योगी ने की शुरुआत। 28 लाख दीये जलाने का बना रिकॉर्ड। सीएम योगी बोले, अयोध्या जैसी दिवाली मथुरा काशी में भी मने। एलएसी पर दो जगहों से भारत चीन की सेना वापसी का काम पूरा। आज से शुरू हुई एलएसी पर पेट्रोलिंग। दिवाली पर देना से दोनों सेनाओं में मिठाइयों का हुआ आदान प्रदान। हैदराबाद में चार मीनार स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर को दिवाली के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। मंदिर की खूबसूरती देखते बन रही है। दिवाली से पहले उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोस्टवाल ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। दिवाली को लेकर पूरे शहर को रोशनी से जगमग किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर एयरफोर्स स्टेशन पर सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। वृंदावन में रहने वाली विधवा माताओं ने यमुना नदी के तट पर दीप जलाकर मनाई दीपावली। वृंदावन के ऐतिहासिक केसी घाट पर विधवा माताओं ने जलाए रंग बिरंगी दिए।
लखनऊ की श्रीनगर कॉलोनी स्थित स्क्रैप यार्ड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दर्जनों दमकल गाड़ियां ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।